सबको जय यीशु। आज का दिन बहुत ही खुशी और आनंद का दिन है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और आज के इस सुंदर दिन में हमारे बीच बिशप विंसेंट आई बागडोगरा डायसिस के बिशप हमारे बीच हैं। हम आज इस चेशायर होम में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं क्योंकि वे हमारे बीच में हैं हम सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो मैं अभी बिशप स्वामी से आज के मिस्सा पूजा को हम सबों के लिए चढ़ाने के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद। धन्यवाद फादर सुशील। कुछ लोगों को याद नहीं होगा कि ये बागडोगरा डायसिस कहाँ है, तो उनके लिए बता दूं बागडोगरा डायसिस वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल, लेकिन पश्चिम बंगाल के बिल्कुल उत्तरी भाग में दार्जिलिंग जिला के अंदर, लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ के नीचे समतल में। तो चेशायर होम से ये सिस्टरें जुड़ी हुई हैं और मैं उनसे कलकत्ता में रहते समय बारकपुर में जुड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ श्रीरामपुर में भी हुगली नदी के तट पर एक चेशायर होम है जहाँ इन्हीं सिस्टरों के द्वारा आपके जैसे बहुत से लोगों की देखभाल होती है। और जब कल मैंने सुना कि यहाँ भी एक चेशायर होम है और वही सिस्टरें यहाँ रहती हैं, तो मैंने कहा अच्छा रहेगा एक बार मिल के आते हैं आप सभी लोगों से। तो मुझे खुशी है यहाँ आपके बीच रह कर के आपके साथ आज का विश्व बलिदान आप लोगों के लिए चढ़ाने में। तो चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं इस पवित्र विश्व बलिदान में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु आप लोगों के साथ हो। हम लोग सब कोई पापी हैं, हम लोग स्वभाव से दुर्बल हैं, कमजोर हैं, पाप की ओर झुके हुए होते हैं, सहज में प्रलोभन में पड़ जाते हैं। तो हमारी कमजोरी सबके लिए लागू होती है, ये सच्चाई है। तो अपनी इसी सच्चाई को स्वीकार करते हुए कि हम पाप की ओर झुके हुए होते हैं, पिता ईश्वर से अभी हम क्षमा मांगें जिससे कि इस पद में संविधान को चढ़ाने के हम योग्य बन सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे पिता ईश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर्म से कर्तव्य पूरा न करने से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हम तेरे पुत्र के पुनरुत्थान का समारोह मना रहे हैं। जब वह अपने सभी संतों के साथ फिर पधारें तो हम बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत कर सकें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे
पुष्कर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। Amen.
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। सत्य का आत्मा तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाई फादर सुशील, उपस्थित सिस्टरगण और आप सभी नवस्थित चेशायर होम के साथी वृंद, आज से बहुत साल पहले 1997 में मैं पहली बार फ्रांस से अमेरिका जा रहा और फ्रांस में जब मैंने एरोप्लेन में प्रवेश किया, बहुत बड़ा एरोप्लेन था, वह दिन का समय था, दिन के 10-11 बजे थे। और जैसे ही यह यात्रा या उड़ान आगे बढ़ने लगी तो धीरे धीरे पता चला कि हमारा एरोप्लेन फ्रांस से ऊपरी दिशा की ओर पृथ्वी के नॉर्थ पोल जिसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव उधर जा रहे ऊपर, और सही में खुला आसमान था और बादल नहीं थे। खिड़की से मैंने नीचे झांका कई बार तो नीचे इंग्लैंड देखने को मिला, आयरलैंड देखने को मिला, आइसलैंड देखने को मिला, और धीरे धीरे वह फिर से कनाडा की ओर मुड़ते हुए अमेरिका की ओर आया। वह तो केवल भौगोलिक यात्रा रही, लेकिन एक बहुत ही अजीब बात हुई मेरे लिए। पहली बार मुझे अजीब लग रही थी एक बात कि इतने घंटों तक एरोप्लेन में रहते हुए भी दिन का 3 खाना हमने खा लिया एरोप्लेन में, 3-3 बार का खाना उन्होंने दिया। हम लोग दिन में 3 बार खाते हैं ना, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, फिर शाम का भोजन करते हैं। वैसे ही उस यात्रा में इतनी लंबी यात्रा थी कि 3-3 खाना हम लोगों को परोस दिया गया, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन भी। लेकिन सूर्यास्त नहीं हो रहा था, सूरज डूब ही नहीं रहा था, दिन खत्म ही नहीं हो रहा था। अरे क्या बात है, दिन खत्म ही नहीं हो रहा है,
सूरज उतना का उतना ही उजाला लगता है, उतना ही एकदम सब कुछ प्रकाशमय लगता है। यह पहला अनुभव था, लेकिन सच्चाई वही है, क्योंकि हम लोग जिसको पूरब कहते हैं, जिस पृथ्वी के जिस हिस्से में सूर्य को पहले हम लोग देख पाते हैं उसको पूरब दिशा कहते हैं। तो हमारा भारत देश पूरब में है, और यहाँ से यूरोप जाएंगे तो कुछ घंटों का अंतर होता है। अभी यहाँ 7 बजने के लिए और 20 मिनट बाकी हैं, लेकिन यूरोप वाले अभी तक सो रहे हैं, वे लोग जागेंगे और 3.5 घंटा के बाद, उनके लिए सुबह होगी और 3.5 घंटा के बाद। और जिस यात्रा की मैं चर्चा कर रहा हूँ अमेरिका, अभी वो लोग बीते हुए कल की रात में है, हम लोग तो आज आमने आ गए। आज कितना तारीख है? 17 तारीख। वो लोग अमेरिका वाले 16 तारीख में ही है, अभी भी 16 मई में अभी वे लोग सोने की तैयारी करेंगे अथवा खाने की तैयारी करेंगे। वे लोग 12-12.5 घंटा हमसे पीछे हैं। यह सब मैं क्यों बता रहा हूँ? उस अनुभव में मैंने क्या देखा, एक ही सूर्य को कैसे पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में हम अलग अलग समय में देखते हैं। जैसे अमेरिका वाले, हमारे आज शाम होगी तब उनको सूर्य दिखाई देना शुरू होगा, उनके लिए तब सुबह होगी। जब हमारे शाम होगी तो उनके लिए सुबह होगी। सूर्य कितने हैं? उनका सूर्य अलग है, एक ही सूर्य है। यही सूर्य जिसको हम लोग सुबह में तो देख पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बड़ा होता है उस सूर्य को हम लोग ताक नहीं सकते हैं, आंखें चौंधिया जाती हैं। वही एकमात्र सूर्य है पूरी पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में, वही एक ही सूर्य प्रकाश देता है, एक ही सूर्य। ये सच्चाई है, ये प्रकृति है। दो सूर्य नहीं है, दो चंद्रमा नहीं है, और जो तारे हम देखते हैं वे भी वही तारे देखते हैं। तो उसी प्रकार ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। ईश्वर होना अपने आप में सर्वशक्तिमान, और केवल एक व्यक्ति ही सर्वशक्तिमान हो सकता है। वही मात्र सृष्टि करता है, वही मात्र जीवन दाता है, ईश्वर एक है। लेकिन उसको जानने का तौर तरीका अलग, अलग अलग समय में अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग दृष्टिकोण से उसके बारे में ज्ञान पाते हैं, उसका अनुभव करते हैं। आज उसी प्रकार का एक छोटा उदाहरण हम लोगों ने पहले पाठ में सुना। बहन ने बहुत सुंदर ढंग से उसको पढ़ दिया, चरित के 17वां अध्याय से लेकर के 15 और 22 वाक्य और 18वां अध्याय का पहला पद तक, और इस पाठ का सारांश रहा, आप अनजाने जिसकी पूजा करते हैं मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूं। कुछ लोग अनजाने उसकी पूजा कर रहे थे, वही एकमात्र सच्चा ईश्वर। यहां संत पौलुस यूनानी देश, यूनान देश में वो
पहुंचे हुए हैं और यूनान देश में एक नगर है जिसका नाम है एथेंस, वह आज भी एथेंस के नाम से ही जाना जाता है। तो वहाँ इधर उधर घूम रहा था, पहली बार जाने से हम लोग नई जगह में घूमते हैं, क्या क्या है देखने की उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, वैसे ही पौलुस भी घूम रहा था। तो उसने एक जगह क्या देखा कि कुछ मंदिर बने हुए हैं देवताओं के लिए और उन मंदिरों में वेदी थे, वेदियां थी। एक वेदी में कुछ लिखा हुआ उसने पाया, उसने देखा, उसने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था आज्ञा देवता को, ऐसे देवता को जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, आज्ञा देवता को, यानी उनकी भक्ति इतनी है कि जिस देवता को जानते भी नहीं है, जिसका परिचय नहीं है, जिसके बारे में ज्ञान नहीं है, उस देवता को भी वे लोग कुछ चढ़ाते हैं, पूजा अर्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं, अपनी भक्ति को अपने ढंग से दिखाते हैं। तो वहां के लोगों को पौलुस बताता है कि आप लोग जिस ईश्वर को आज्ञा ईश्वर, आज्ञा देवता कह रहे हैं, उस ईश्वर को मैं तो जानता हूं, उसको परिचय मिला है, वो सच्चा ईश्वर है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और उसने बताना शुरू किया। तो ये जो हमारा ख्रिस्तीय धर्म कहलाता है, इसको धर्म कहना शत प्रतिशत सच नहीं है, ये धर्म से भी परे है, ये मात्र कहेंगे आप एक सच्चाई है। क्यों? क्योंकि स्वयं ईश्वर का बेटा इस दुनिया में प्रकट हुआ और उसने उस ईश्वर के बारे में, जिसके बारे में हम लोग ज्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं क्योंकि वहाँ ईश्वर के पास कोई गया हुआ नहीं है, उसके साथ किसी का अभी उस प्रकार वार्तालाप हुआ नहीं है साक्षात, लेकिन बेटा है तो उसके साथ में वो रहता, उसको अपने पिता के बारे में पूरा पूरा पता है, वही आकर के उस ईश्वर के बारे में, उस पिता के बारे में हम लोगों को बताया है। इसीलिए उसका दिया हुआ ज्ञान अवश्य ही सच है और जिस ईश्वर के बारे में उसने ज्ञान दिया है वह सच्चा ईश्वर है। तो उस ईश्वर के बारे में पौलुस अब इन एथेंस वासियों को बताता है। हम लोग भी उसी एकमात्र ईश्वर के पूजक हैं, वही सच्चाई है और इस सच्चाई का एक दिशा हम लोग इस पास्का काल मना रहे हैं। ये बड़ी मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती उसी का ही एक नमूना है, ये जी उठे यीशु क्रिस्त का प्रतीक है ये बड़ी मोमबत्ती, पास्का मोमबत्ती। ईश्वर का बेटा मरा हुआ मनुष्य के रूप में मर गया, लेकिन वह जी उठा, ऐसा जी उठना केवल ईश्वर से संभव है। ईश्वर जो जीवन देता है वही जीवन वापस दे सकता है और यही हुआ। और इसी सच्चाई को आज हम न केवल मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उस सच्चाई के अनुसार चलने की कोशिश करना ये धर्म है। हम लोग उसी कोशिश में आगे बढ़ें, उस सच्चाई को धीरे धीरे और भी जानें,
ये हम लोगों के लिए आवश्यक है। ईश्वर से हम मदद मांगें, कृपा मांगें कि हम लोगों को इस सच्चाई के बारे में धीरे धीरे ज़्यादा जानकारी मिले, हम उसे जानते हुए उसके प्रति और प्रतिबद्ध हो सकें, समर्पित हो सकें और उसको अपना ईश्वर मान करके अपनी परिपूर्णता को हासिल कर सके। धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष कैलिक्सटस को, सहायक धर्माध्यक्ष सिल्वर मस्करेनस और बिशप विंसेंट आइन और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुदीर्घ कृपा से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई बहनों की भी सुदीर्घ जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से भाग चुके हैं, उन्हें और सभी वृंदकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे द्वारा। इन्हीं प्रभु कृष्ण के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान नेता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा दौरा तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। एकमात्र ईश्वर जिसके बारे में संत पौलुस ने एथेंस वासियों को परिचय दिया, उसी एकमात्र ईश्वर की हम पूजा करते हैं। तो अभी उसी एकमात्र ईश्वर को, जैसे उसके बेटे ने हम लोगों को ऐसा सौभाग्य दिया है, ये सुविधा दी है कि हम उसे उसकी तरह ईश्वर होते हुए भी अपना पिता कह सकें, पिता कह करके संबोधन कर सकें, ऐसी विशेष सुविधा यीशु ने हमें दी है। तो आइए हम वही प्रार्थना एक साथ बुलाएं। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होवे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर भी होती हो। हमारा प्रतिदिन का हमारे आज भी दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने परिजनों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के नाम में तू संसार
में शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमनाव, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उसके इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं।
Amen.
आत्मा की महिमा को जय।